नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही विपक्षी दल काफी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़कर आ रहा है और अपने पूरे दमखम के साथ पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नामक एक गठबंधन तैयार किया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की घोषणाएं लगातार हो रही है और इंडिया की घोषणा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी इसका असर अब जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। राजधानी कोलकाता में गठबंधन इंडिया को लेकर नए पोस्टर लगने लगे हैं। जगह जगह पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पोस्टर में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है और लिखा हुआ है कि अब की बार दिल्ली में एनडीए सरकार। खास बात यह है कि बंगाल में लगे इन पोस्टर पर हिंदी में लिखा गया है, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में 18 जुलाई को इन दलों की एक बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी, जहां सभी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया नाम से एनडीए विरोधी मोर्चा बनाने की घोषणा की थी। आपको यह भी बता दें कि कोलकाता में ये पोस्टर ऐसे समय पर लगाए गए हैं जब इसी महीने में आखिरी में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है और उसकी जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। इसी के साथ ही समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक भी बेंगलुरु की तरह ही होगी। इसमें पहले दिन 31 अगस्त को रात्रि भोज का कार्यक्रम होगा, 1 सितंबर को दिन में मुख्य बैठक होगी और उसी दिन बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर बीती 23 जून को पटना में हुई थी और इस बैठक में पीएम मोदी को अगले चुनाव में सत्ता से हटाने और भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में जीतने नहीं देने पर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर सहमति भी बन चुकी थी। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक की मेजबानी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी मिलकर करेंगी। दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा भी है। देखना होगा कि आने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या क्या निकल कर सामने आता है और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही जाती है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।